माई चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टैरो वीकली रीडिंग फ्रॉम 9th मई टिल 15th मई फॉर माई एक्वेरियस व्यूअर्स। सो लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ, रिलेशन, करियर, हेल्थ और एक्स्ट्रा मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। So let's invoke to our Supreme God, Divine Father, Mother, Ganesha, Shiva Shakti, all the Gurus, all the Masters, all the Saints, Archangels, Angels, Holy Angels, Healing Angels. I invoke you all to please guide my Aquarius viewers for this coming week. So let's see Aquarius, aapki love life ke liye, about your relationship. Angels, please guide. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Okay, so love life. Yes, interesting होने वाला है ये week आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। अगर आप relationship में already हैं तो वो relationship आगे grow हो सकता है, commitment में आगे जा सकता है। यू नो, आप मे बी अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को इस वीक प्लान करें अपने पेरेंट्स से मिलाने का। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो यस, ये रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ ये वीक हार्मनी रहने वाली है। ये वीक आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ लेके आने वाला है। सो लेट्स सी एक्वेरियस अबाउट योर वर्क, अबाउट योर करियर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you. So about your work, career, इस वीक आप अपने करियर में, अपने काम से रिलेटेड थोड़ा सा कन्फ्यूज रहने वाले हैं। आप डिसीजंस में भी कन्फ्यूज रहने वाले हैं कि मैं डिसीजंस लूँ या नहीं लूँ। इस वीक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ भी यू नो हाथ से निकलती हुई मेरे को दिख रही हैं। ये वीक आपके लिए थोड़ा सा डाउन रहेगा रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू वर्क। तो इस वीक में आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई डील साइन नहीं करें। अगर आप कोई पेपर साइन करने वाले हैं रिलेटेड टू डील, तो उसको नहीं करें, नेक्स्ट वीक की तरफ आप उसको आगे पोस्टपोन कर दें। ये वीक करियर वाइज, बिजनेस वाइज थोड़ा सा मुझे यू नो टेंशन से भरा हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी अबाउट योर हेल्थ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, thank you angels. Okay, so health, yes, health wise definitely इस वीक में अगर आप में से कोई व्यूअर जो है बीमार है तो डेफिनेटली रिकवरी के चांसेस हैं। इवन यू नो मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई एक्वेरियस व्यूअर में ऐसा है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वापस चांसेस हैं इस वीक में कि वो जो है रिकवर होए, यू नो हॉस्पिटल से बाहर आ जाए, घर आ जाए। इवन यू नो समवेयर आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हैं एक्वेरियस के व्यूअर्स में इस वक्त। तो यस, आई एम सीइंग कि इस वीक में उनको रिकवरी देखने को मिलेगा। सो ओके, सो कहीं ना कहीं अगर इस वीक में आपका कोई प्लान है अपने फ्रेंड से मिलने का, तो वो प्लान हो सकता है कैंसिल हो जाए। मे बी अगर आप इस वीक अपने लवर से मिलना चाह रहे हैं तो वो कैंसिल हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि वो आप चाह रहे हो कि आप अपने पार्टनर को जो है अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो प्लानिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आइडिया जो है आप ड्रॉप कर दोगे, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप उस प्लानिंग को आगे के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो यस, मेरे को इस वीक में दिख रहा है कि अगर आप कोई रीयूनियन की वेट कर रहे हो, आपको अपने फ्रेंड से मिलना था या कोई गेट टुगेदर था, तो वो इस वीक यू नो चैनलाइज नहीं हो पाएगा, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगी। सो लेट्स सी अबाउट योर सोल एफर्मेशन फॉर दिस वीक, सोल एफर्मेशन। सो एंजल्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you angels, thank you, thank you, thank you angels, thank you. Please guide, thank you so much angels, thank you, thank you, thank you. This week आपको courage से काम करने की ज़रूरत है, strength पे काम करने की ज़रूरत है, confidence रहने की ज़रूरत है।
इस वीक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. सम काइंड ऑफ यू नो कोई अगर सिचुएशन आती है तो उसको फेस करो, कॉन्फिडेंटली फेस करना, स्ट्रेंथ और करेज के साथ फेस करना. सो द एफर्मेशन फॉर यू इज़ आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. सो लेट्स सी एक्वेरियस फॉर योर एंजल्स मैसेज. Thank you, angels. Thank you, thank you, thank you for your love and support. Thank you. Thank you. Letting go. So, angels is saying letting go. कुछ ना कुछ ऐसा past का है, क्योंकि मैं बोली आपको कि कुछ ऐसा है कि you know maybe आप अपने past relationship में अभी भी अटके हुए हो. So that is you know is आपको let go करने की ज़रूरत है. कोई ऐसा आपका लाइफ में कोई ऐसी बात जो आपको ट्रबल देगी वो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज फॉर दिस कमिंग वीक फॉर यू. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you. So overall energy जो इस week आपके लिए रहने वाली है वो रहने वाली है too much of work. आप इस week multiple काम करोगे, multiple you know ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ. आपकी जो energies है वो scatter रहने वाली है. आप busy रहने वाले हो काम में related. आपको इस वीक जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है. आपको इस वीक जो है यू नो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ आपकी लाइफ में इस वीक जो है ना आपको परेशान करने वाली है, घेर के रखने वाली है. सो ओवरऑल जो एनर्जी इस वीक आपकी है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल आप काम करने वाले हो, मल्टीपल चीज़ों में आप बिज़ी रहने वाले हो. So now Aquarius, it is time to get answer for your question. Close your eyes. Think about the question. Think about the question in a yes or a no form. Close your eyes. And let's see. Angels, please answer. Angels, please answer. Thank you so much. Thank you so much, angels. Angels, please answer. Angels, please answer. Okay, so Aquarius, जो आपके लिए आंसर है वो है yes. आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है yes. I hope you like this reading. Do comment in the comment section. Till then, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें. जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल Divine Source सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, vastu and feng shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.